अम्बाला कैंट में मिशन अस्पताल की टीम की तरफ से प्रवासी मजदूरों के स्क्रीनिंग टेस्ट और फिजिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। जरूरत के हिसाब से दवा भी दी जा रही है। इस मौके डॉक्टर सुनील सादिक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि वह चेकअप के दौरान प्रवासी मजदूरों को खाने पीने का सामान भी दे रहे हैं, ताकि घर जाते समय उनको रास्ते में खाने पीने की कोई दिक्कत ना आए। मिशन अस्पताल की पूरी टीम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए पूरी पालना के साथ प्रवासी मजदूरों के मेडिकल टेस्ट कर रही है। आज़ाद टीवी न्यूज़ के लिए अम्बाला से कैमरामैन अभिषेक सूद के साथ हरजीत सिंह की रिपोर्ट। आज़ाद टीवी और ये हमारे जो अम्बाला कवरेज के जितने भी लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जहाँ भी कोई अच्छा काम होता है ये ज़रूर वहाँ के ऊपर जा के कवरेज करते हैं। आज हम जो यहाँ पे आए थे अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन के सामने जो पुल है, पुल के नीचे काफ़ी प्रवासी जो है वो आके बैठे हुए थे, जो कि जाने की तैयारी में, कोई कुछ कह रहा, कोई कहीं पे कोई भगा रहा उनको, लेकिन ना उनके पास खाने के लिए है ना कुछ जाने के लिए है। तो हमने क्या सोचा कि वहाँ पे आके इनका सबका पहले तो मेडिकल चेकअप करें। तो मेडिकल चेकअप जब किया तो ये काफ़ी डरे हुए थे पहले, लेकिन जैसे जैसे ये चेकअप होने लगा तो उनको समझ आ गया कि ये बिल्कुल चेकअप कर रहे हैं, कोई हमें लेके नहीं जा रहे, कहीं बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनका जब सबका चेकअप हो गया तो कोई किसी को सिम्टम्स वगैरह कोविड के तो नहीं थे, लेकिन कुछ एक छोटी बीमारियाँ जैसे कमर में दर्द है, टांगों में दर्द है, ये गला खराब है थोड़ा बहुत, तो इस तरीके से थे, उनकी हमने दवाई दी है। लेकिन साथ के साथ आज ने हमने एक ये जो किया है कि भोजन का पैकेट जो है साथ में, ड्राई राशन तो नहीं कह सकते इसको, ये एक सत्तू है जो कि पानी में घोल के सीधा पिया जा सकता है। वो जो सत्तू है एक एनर्जी ड्रिंक है जो कि इनके 2 या 3 दिन या 4 दिन के लिए सफिशेंट होएगा। ये तकरीबन 1 किलो के करीब सत्तू है और 2 पानी की बॉटल्स हैं और फिर शक्कर है साथ में, तो ये दोनों चीज़ें घोल के एक एनर्जी ड्रिंक बन जाता है, और जिसके साथ कि इनको लाइक दिन में 2 या 3 बार पीना पड़ता है, और ये 3-4 दिन के लिए 5-5, 6-6 पैकेट्स हमने हर उसके बीच में रखवाए हैं, ताकि उनको एक पैकेट खोलें और वो पी लें और साथ में शक्कर लें और साथ में पानी पी लें। तो इस तरीके से इनका रास्ते का जो सफ़र है वो पूरा कट जाएगा। लेकिन मेन जो चीज़ है, इनको हम देख रहे थे कि किसी को कोई किसी किस्म की बीमारी तो नहीं है। हमने ये मेडिकल, ये जो वैन है, ये बस जो है, ये पूरी इक्विप्ड है, इसके बीच में एक्सरे, ईसीजी, और जैसे आप देख रहे हैं कि हमने तकरीबन सारा लोगों को चेक किया यहाँ पे, और ये जितनी दवाइयाँ जो थी यहाँ पे ये भी सारी दी हैं। तो ये आज अम्बाला कैंट में रेलवे स्टेशन के सामने हमने ये किया।